इंडिया में तीन तरह की बैंक्स है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके पेमेंट विड्रॉल के लिए। अभी काफी सारे बैंक जो नेशनलाइज बैंक है, अभी गवर्नमेंट ने काफी सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया है, तो मैं आपको एक बेसिक लिस्ट देता हूँ बैंक्स का जिसको नेशनलाइज बैंक में कंसिडर किया जाता है। तो उसमें से पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो डाउट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे जितने भी बैंक्स मैंने अभी जिनके नाम कहे, ये सारे नेशनलाइज बैंक्स में आते हैं। ओके, अब दूसरी आती है जिनको बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स के अगर हम नाम देखेंगे तो है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, जेएनके बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्या बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और येस बैंक। ये सारे जितने भी बैंक, ये नाम जो दिए मैंने, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब आती है तीसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, तो वो है इंटरनेशनल बैंक्स। और इंटरनेशनल बैंक्स में कुछ नाम अगर मैं दूं तो पहला है सिटी बैंक है, दूसरा है एचएसबीसी इंडिया बैंक, तीसरा है डुएश बैंक, उसके बाद है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उसके बाद है डीबीएस बैंक, उसके बाद है बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, दोहा बैंक। ऐसे काफी सारे बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं। आप इन तीनों में से किसी भी इसमें अकाउंट है आपका, अगर नहीं है तो आप खोल लीजिए इन तीनों में से कोई भी सेक्टर में, आइदर वो इंडिया के नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, या फिर इंटरनेशनल बैंक्स में, जो मल्टीनेशनल भी होते हैं इंटरनेशनल बैंक्स, उन पे आप तीनों में से किसी भी सेक्टर्स के बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ये ही तीन सेक्टर्स के बैंक है जो आपको एक वैलिड स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर सकता है। आपके जितने भी ग्रामीण लेवल के बैंक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक है, वो आपको ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं देती। तो इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपका अकाउंट इन्हीं में से कोई भी बैंक में होना चाहिए। और कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि जॉइंट अकाउंट चलेगा क्या, यस बिल्कुल चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, देखिए अगर आप टैक्स लाइबिलिटी अगर आप बाइफरकेट करना चाहते हैं, ओके, तो मेरा सजेशन और मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर में काम कर चुका हूं, तो मैं ऐसे सिचुएशन में लोगों को इतना ही कहूंगा कि आप इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाइए। और अभी तो एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपको बहुत सारे, काफी सारे बैंक्स हैं, आपको एक फैसिलिटी देती है, आप खुद के नाम पर करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, अगर जो भी आपका नाम हो उस नाम पर आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें भी आप पैसा ले सकते हो। ओके, तो ये एक एडवांटेज आप ले सकते हो जिसके माध्यम से आप एक्सपेंसेस दिखाकर काफी सारा टैक्स भी बचा सकते हो, और वो आपका जो भी सीए होगा आप उससे बात कीजिए इसके बारे में, वो आपको बता देगा डिटेल में। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स ही रखिए, ताकि आपको टैक्स लाइबिलिटी कल की तारीख में मैनेज करने आ सके और वो हिसाब से आप डिडक्शंस दिखा सके। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट रखते हो तो। और जॉइंट अकाउंट रखते हो तो हस्बैंड एक, इतना मान लीजिए वो नौकरी कर रहे हैं, उनका पैसा आ रहा है, आप अलग से कुछ कर रहे हो, आपका कुछ अलग पैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें जब कंबाइन होती है ना तो बहुत प्रॉब्लम देती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये बातों पे आप ध्यान दें और ये बातें आप आगे चलकर आपके सीए से बात करके कंफर्म कर लें। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आपके बैंक्स होनी चाहिए, कोई भी ग्रामीण बैंक या डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक बिल्कुल नहीं चलने वाले। ओके, इसका आप ध्यान रखिए और आइंदा प्लीज ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि हम बार बार बोल बोल के थक गए, लेकिन आप लोग इन चीजों को वापस वापस पूछते हैं। थैंक यू।